हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसेस विजन। लास्ट क्लास में हमने बात की रेस्टोरेशन एज को लेकर के और वहां पर किस तरीके से जो उस एज के रिप्रेजेंटेटिव ऑथर हैं जॉन ड्राइडन, उनके कुछ वर्क्स को लेकर के। इसके अलावा मैंने आपसे जॉन ड्राइडन के ही वर्क स्पेशली एप्सिला मैन एक्रिटोफिल पर बात की। उसके बाद हमने आपसे जॉन बनियन की जो एलिगरी है, जिसे हम एलिगरी ऑफ आइडियाज भी कहते हैं, उनका वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो कि 1678 में पब्लिश होता है, उसको लेकर के बातें की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अगस्टन एज, या इसे हम एज ऑफ पोप कहते हैं। और ये जो एज है इसका नाम अगस्टन एज इसलिए पड़ता है क्योंकि यहां पर क्या होता है कि यहां के जो राइटर्स आते हैं वो अपने आप को मानते हैं कि वो ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस करने वाले हैं जो क्या होगा, वो अगस्टस सीजर के टाइम पर, यानी जो रोमन एम्परर अगस्टस सीजर है उसके टाइम पर क्या हुआ हो, प्रोड्यूस किया गया हो। और इस एज के जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं उनका नाम अलेक्जेंडर पोप है। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि टाइमलाइन पर कि कौन कौन सी ऐसी फेमस डेट है जहां पर उस एज में, यानी ये जो एज है आपकी स्टार्ट होती है 1700 से लेकर के 1745 तक ये कंटिन्यू होती है। तो उसके बाद 1700 से लेकर के 1745 में कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं कि इंग्लैंड की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें एक मेजर इंसिडेंट की तरीके से उभर करके सामने आते हैं। तो आइए, आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। अगस्टन एज, या इसे जो हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं, 1700 से लेकर के 1745 तक ये रन करती है। और इसके बाद क्या होता है कि जो आने वाली एज है उसे हम डॉक्टर जॉनसन्स एज या एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। और ये जो टाइम है 1700 से 1745 का, ये एक ऐसी एज है जहां पर रेस्टोरेशन एज या जिसे हम कह सकते हैं न्यू क्लासिकल एज, उसका जो लिटरेचर था वो अपने एपेक्स पर होता है। और यही वो एज है, बहुत डोमिनेंट एज इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहीं से ही जो इंग्लिश प्रोज था वो भी इतनी तेजी के साथ डेवलप होना स्टार्ट होता है कि एक बहुत बड़े राइटर और क्रिटिक मैथ्यू अर्नल्ड ने क्या कहा है इस एज को, 18th सेंचुरी को, दैट इट वाज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को, एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, यानी कि ये जो एज है वो किसकी है, प्रोज की है और रीजन की है। कारण ये है कि इस टाइम पर आप देखेंगे कि इतना तेजी से प्रोज का डेवलपमेंट होता है कि बहुत सारे नॉवेल्स लिखे जाते हैं इसी एज में ही। और उसके अलावा पीरियडिकल्स जो कि दो राइटर्स लेकर के आते हैं, जोसेफ एडिसन और चिजर्ड स्टील, वो इतना ज्यादा पॉपुलर होता है पीरियडिकल्स। और उसके अलावा जो नॉवेल्स लिखे गए वो स्पेसिफिकली थे पिकरस नॉवेल्स, क्योंकि सोसाइटी इमोरल है तो जाहिर सी बात है आपके हीरो को भी उतना ही इमोरल होना पड़ेगा अगर उसे उस सोसाइटी में सर्वाइव करना है। और इसी ही एज में आते हैं पूरे फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स भी आते हैं इसी में ही, और इसी में आपके आते हैं फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स जिनका नाम क्या है, हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग को हम क्या कहते हैं, दैट ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स। और फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स जो हैं उसमें से ये एक है। फिलहाल आते हैं अपनी टाइमलाइन पर और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स इस एज में घटित होते हैं। सबसे पहले है 1701 द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। और उसके बाद जॉन ड्राइडन डाइज, यानी कि उसी एज में जो रेस्टोरेशन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट हैं, ऑथर हैं जॉन ड्राइडन, उनकी डेथ भी हो जाती है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल आगे चलते हैं। 1702 विलियम ऑरेंज, ये कौन थे, ये क्वीन मैरी के हस्बैंड, याद होगा आपको क्वीन मैरी के हस्बैंड जो कहां पर थे, ग्लोरियस रिवोल्यूशन में, ग्लोरियस रिवोल्यूशन में जो थे उनकी जो है क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्वीन मैरी की छोटी बहन जिनका नाम क्या है एन, वो क्या होती है, क्वीन एन एक्सीड्स, यानी सी बिकम्स द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड इन 1702।
1702 में वो इंग्लैंड की क्वीन बनती हैं। अब आगे देखिए 1704 1704 इंग्लैंड कैप्चर्स जिब्राल्टर। जिब्राल्टर एक जगह है इंग्लैंड में, आप कह सकते हैं उसको क्या करता है इंग्लैंड कैप्चर कर लेता है, यानी कि जो है पानी की जगह है ये जिब्राल्टर, और इसी के नाम पर एक इंडिया में फेमस ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन जिब्राल्टर, जो कि 1965 में पाकिस्तान ने प्लान किया था इंडिया के साथ में। तो ये ऑपरेशन जिब्राल्टर वो था, और यहां पे क्या होता है इंग्लैंड जो है वो जिब्राल्टर को कैप्चर करता है डेनियल डिफो, और इनका कौन सा वर्क द रिव्यू पब्लिश होता है इसी साल में, और उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट टेल ऑफ अ टब ये इनका वर्क पब्लिश होता है, और उसके बाद द बैटल ऑफ द बुक्स जो कि क्या है एक मॉक एपिक, क्या है एक मॉक एपिक, जैसे क्या है रेप ऑफ द लॉक वो क्या है एक मॉक एपिक है, उसी तरीके से ये भी क्या है एक किताब अपने आप में मॉक एपिक होती है। क्या होती है ऐसी किताबें, ये किसी एक सीरियस वर्क को इमिटेट करती हैं मॉक एपिक, जैसे कि एपिक होती है ना उसमें हम क्या करते हैं एक सीरियस इशू को लेकर के डील करते हैं, उसी तरीके से जो मॉक एपिक होती है उसमें हम सीरियस के बजाय ट्रिवियल सब्जेक्ट को इस पे हम लिखते हैं, जैसे कि रेप ऑफ द लॉक में क्या है वहां पर एक बेलिंडा मैडम है और उनके बाल काट दिए गए हैं, इसको लेकर के एक संग्राम छिड़ गया है, और संग्राम किसको लेकर के छिड़ा हुआ है उसमें हथियार कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इयररिंग हेयरिंग और सॉरी हेयर पिन जो भी है ठीक है उन सब चीजों से वार हो रहा है, स्माइल से वार हो रहा है। उसी तरीके से भी थी बैटल ऑफ द बुक्स जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लड़ाई कर रहे हैं एक आर्टिकल दूसरे आर्टिकल से कि मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूं, दूसरा आर्टिकल कहता है नहीं मैं तुमसे ज्यादा जो है सुपीरियर हूं, अलग अलग दोनों किताबें हैं। अब आगे देखिए 1707 एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, एक्ट ऑफ यूनियन आता है किनके बीच में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में, और इसी के साथ दोनों देश जो अभी कैसे इनको सेपरेटली रूल किया जा रहा था, यानी वही शासक जो इंग्लैंड में रहता तो इंग्लैंड के नियम कानून और स्कॉटलैंड में रहता तो स्कॉटलैंड के नियम कानून को फॉलो करता, लेकिन अब क्या हुआ एक्ट ऑफ यूनियन आ जाता है और इससे दोनों देशों की संसद क्या होती है वो मिल जाती है, और काफी सारी निगोसिएशन बहुत सारी धमकियां बहुत सारे अलग तरीके हथकंडे अपनाए गए तब जाकर के ये हुआ। हालांकि भी कई साल पहले जो है 5-6 साल पहले एक रेफरेंडम भी हुआ था, 5-6 साल नहीं हम उसको कह सकते हैं कि करीब 7-8 साल पहले एक रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है एक ऐसा वर्ड है रेफरेंडम जिसका मतलब क्या है कि वहां के जो लोग हैं पार्टिकुलर प्लेस के वो चुनाव करते हैं यानी वोट डालते हैं कि कौन यहां पे रहना चाहता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुए तो कई सारे ऐसे देश थे कश्मीर में जूनागढ़ था हैदराबाद था जिसको लेकर के रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में ये होता है कि मेजॉरिटी जिनकी जो कहती है यानी मेजॉरिटी का जो वोट होता है यानी हाँ या नहीं वाले पक्ष में कि वो देश में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं उसको हाँ या ना में एक रेफरेंडम होता है, और जिसकी मेजॉरिटी होती है चाहे वो हाँ वाले की हो चाहे वो ना वाले की हो वही डिसीजन माना जाता है। और ये जानकर के आपको जो है इंटरेस्टिंग लगेगा कि 52% उस समय लोगों ने वोट किया था कि वो स्कॉटलैंड में यानी वो इंग्लैंड में रहना चाहते हैं, और 48 या 50 के आसपास क्या हुआ था लोगों ने ये वोट किया हुआ था कि वो वहां से छट करके अपनी अलग कंट्री स्कॉटलैंड बनाना चाहते हैं। शायद अगर सारे लोगों ने वोट किया होता तो अंजाम कुछ दूसरा होता, लेकिन ये एक ऐतिहासिक जो है इंसिडेंट था जो होते होते रह जाता है, यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अभी भी क्या है संयुक्त रूप से रह रहे हैं, यानी 1707 का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी चला आ रहा है। आगे बढ़ते हैं 1708 में जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट, ये नाम आपको याद होगा कैसे याद होगा जेम्स सेकेंड का बेटा जिसको जेम्स सेकेंड ने कहा था कि मैं एक बतौर कैथोलिक के रूप में इसको पाल पोस के बड़ा करूंगा, और इसको हम लोग किस नाम जानते हैं ओल्ड प्रिटेंडर। इसका मतलब क्या होता है इस बात को याद रखिएगा इस वर्ड को, प्रिटेंडर का मतलब वो होता है ऐसे लोग जो अपने आप को माने कि वो किंग बनने लायक हैं या वो किंग की जो पोस्ट है उसके सच्चे जो है उत्तराधिकारी हैं, लेकिन ऐसे लोग किंग होते नहीं हैं। जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट मानता था कि मैं क्या हूं एक लीगल हीयर हूं इस थ्रोन का, लेकिन क्या हुआ कि उसे अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई या आप कह सकते बिल ऑफ राइट्स के जरिए
ये कर दिया गया कि क्या होगा, अब यहां पर कोई भी कैथोलिक राजा आएगा ही नहीं। तो ओल्ड प्रिटेंडर का मतलब नाम क्या है कि ये दो थे, एक तो जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट को हम ओल्ड प्रिटेंडर कहते हैं और इसका जो बेटा हुआ उसको हम यंग प्रिटेंडर कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि दोनों अपने आप को मानते थे कि वो राजा बनने के लायक हैं या राजा बनने वही राजा हैं ये सच में, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। अब आगे देखिए, ट्राइज टू इन्वेड स्कॉटलैंड, और ये क्या करता है, ट्राइज प्रयास करता है स्कॉटलैंड पे इन्वेड करने के लिए, कब्जा करने के लिए। और 1711 अलेक्जेंडर पोप एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये बहुत फेमस, ये कोई एसे नहीं है बल्कि पोयम है, यो नाम रहता बस इसे, एसे ऑन क्रिटिसिज्म पब्लिश होता है। आगे बढ़िए, 1714 क्वीन एन डाइज, क्वीन एन की डेथ हो जाती है और उसके बाद विदाउट एनी सर्वाइविंग हीयर, यानी कोई भी उनका वारिस नहीं होता है। मैंने आपको बताया है कि कई सारे मिसकैरेजेस हुए और लास्ट का जो बच्चा था वो इन्फेंसी में उसकी डेथ हो जाती है। अब आगे देखिए, जॉर्ज फर्स्ट एक्सीड्स, और इसके बाद जो जॉर्ज फर्स्ट हैं वो कहां के हैं, जर्मनी के हैं और हनोवर फैमिली सोफिया यहां के होते हैं और इनको बुलाया जाता है शासन में और राजा बनने के लिए कहा जाता और ये वहां के जो है किंग बन जाते हैं 1714 से। 1715 जेम्स स्टुअर्ट, यानी कि वही ओल्ड प्रिटेंडर, फेल्स इन जैकोबाइट अपराइजिंग फ्रॉम स्कॉटलैंड। जैकोबाइट मतलब क्या है कि वो वहां पे जो रूल थे, सॉरी जो जैकोबाइट्स थे उनको वो क्या करता है, वो विद्रोह के लिए उकसाता है, लेकिन उसका ये जो प्रयास है वो विफल होता है। अब आगे देखिए, 1719 रॉबिन्सन क्रूजो बाय डेनियल डिफो, मैंने आपको बताया है कि रॉबिन्सन क्रूजो को हम क्या बात करते हैं कि दैट इट इज मॉडर्न एवरीमैन। याद होगा आपको रेनेसेंस की क्लासेस मैंने आपको बताया था जब हम आपको मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस, मोरेलिटी प्लेस के बारे में बता रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि रॉबिन्सन क्रूजो जो फिक्शन है, जो नॉवेल है, उसे हम मॉडर्न एवरीमैन के नाम से भी जानते हैं और ये लिखा गया किसके द्वारा, डेनियल डिफो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 1720 पोप ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स इलियड, ठीक है, क्या करते हैं पोप का होमर की जो इलियड है उसका ट्रांसलेशन आता है। होमर की जो इलियड है, इलियड को लैटिन में इलियम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ट्रॉय, समझ रहे हैं, ट्रॉय की जो कहानी है मैंने आपको कई बार बताया भी है इसको। 1722 डिफो कौन, मतलब डेनियल डिफो, और इनका कौन सा वर्क, मॉल फ्लैंडर्स, और इससे जो वर्क्स आए उनकी खासियत ये थी कि यहां पर डेनियल डिफो ने क्या किया, उन्होंने मेल के बजाय, यानी हीरो के बजाय, मेल पिकारों के बजाय लेडी पिकारों को भी रिप्रेजेंट किया। वही बात कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के, इन्होंने क्या किया, लेडी पिकारों को रिप्रेजेंट किया, यानी कि वो भी क्या कर सकती हैं, वो भी छिनैती डकैती या ये सब चीजें कर सकती हैं, क्योंकि भाई उनको भी सोसाइटी में सरवाइव करना है। अब आगे देखिए, एंड अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, ये पब्लिश होता है किसका, डेनियल डिफो का, 1724। फिर से देखिए, डिफो रोक्साना, बहुत फेमस स्टेटमेंट है रोक्साना का, कौन सा, ऑनेस्टी इज आउट ऑफ क्वेश्चन when starving is the case, यानी कि क्या है, ऑनेस्टी ईमानदारी बाहर है जब क्या हो जाएगा, स्टार्विंग इज द केस, यानी भुखमरी के कगार पर जब कोई आ जाएगा तो ईमानदारी नहीं कर सकता है, ऐसा कहना था रुक्साना का, याद रखिएगा। और क्या है, एंड अ टूर थ्रू द होल आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये भी डिफो का वर्क है, वो पब्लिश होता है इस ईयर में, 1726। जोनाथन स्विफ्ट मास्टरपीस, जोनाथन स्विफ्ट की गुलिवर ट्रेवल्स पब्लिश होती है, और गुलिवर ट्रेवल्स कहानी है किसकी, गुलिवर की, जो कहां पर, चार इमेजिनरी जगहों पर ट्रेवल कर रहा है, चार इमेजिनरी जगहों पर, और वो इस तरीके से सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहा है। पहली जो जगह है वो जाता है कहां पर, लिलीपुट में जाता है,
उसके बाद ब्रॉडिंग नेक यहां पर जाता है, तीसरी है लापुटा या जापान इन सब एरियाज की, चौथी जो जगह है उसकी वो क्या है लैंड ऑफ विनविंस एच ओ यू वाई एच एन एम एस लैंड ऑफ विनविंस, और ये क्या है उसका यूटोपियन प्लेस है, सबसे बेहतरीन जगह जहां पर घोड़े शासन कर रहे हैं आदमियों के ऊपर। जोनाथन स्विफ्ट एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक टाइम आएगा जब क्या करेंगे, जो इंसान है ह्यूमन बींग्स हैं दे विल बी टेम्ड बाई एनिमल्स, उनको कौन टेम करेगा एनिमल्स यानी जानवर उनके ऊपर लगाम लगाएंगे, एक दौर ऐसा आएगा। 1727 जॉर्ज फर्स्ट डाइज यानी उनके जो किंग बने थे 1714 में उनकी डेथ हो जाती है, और जॉर्ज सेकेंड उन्हीं की ही एंसेस्ट्री से क्या होते हैं आते हैं जॉर्ज सेकेंड वो थ्रोन पर आते हैं। 1728 1728 पोप मतलब अलेक्जेंडर पोप जो कि क्या है इस एज के रिप्रेजेंटेटिव ऑथर हैं, उनका वर्क आता है द डंसियाड, और आगे देखिए जॉन गे का वर्क आता है बेगर्स ऑपेरा, ये आता है 1730 1730। हेनरी फील्डिंग कौन सा वर्क ट्रेजेडी ऑफ ट्रेजेडीज ये आता है, और दूसरा है द लाइफ एंड डेथ ऑफ टॉम थंब द ग्रेट, इनका वर्क आता है 1730 में। 1733 पोप यानी कि अलेक्जेंडर पोप, और इनका कौन सा वर्क एन एसे ऑन मैन, फेमस वर्क है और ये भी क्या है एक पोयम है। पहली लाइन नो देन दाई सेल्फ प्रज्यूम नॉट टू बी स्कैंड, नो देन दाई सेल्फ प्रज्यूम नॉट टू बी स्कैंड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, यानी कि अगर आप मानवता को आप पढ़ना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो आप एक इंसान को ले लीजिए, उसी तरीके से सारे लोग होते हैं, ठीक है, एक इंसान को उठा लीजिए हर इंसान क्या है ठीक है उसी तरीके से ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे यानी सब क्या है सब मौका परस्त हैं, सबको बुराई पसंद है, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। जैसे एक बहुत फेमस व्यंगकार हैं हरिशंकर परसाई, तो उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट क्या है बहुत जो है फेमस व्यंग है उसमें जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं वो जा रहे हैं एक लोगों से शिकायत करने उनकी बेटी को लेकर के, और बता रहे हैं उनसे कि देखिए आपकी बेटी जो है वो उसका कुछ ठीक नहीं है रवैया, वो घूमती रहती है ऐसे लोगों के साथ में, और ये जो है हम लोगों को अच्छे ना सोसाइटी क्या कहेगी इस बात को लेकर के। तो हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि असल में वो जो लोग जाते हैं उनका जो मुख्य इरादा होता है वो ये होता है कि भाई साहब आपकी बेटी जो है वो हमको चरित्रहीन होने का मौका नहीं दे रही है, समझ रहे हैं, और वो किसी और को जो है चरित्रहीन होने का मौका दे ये हमसे बर्दाश्त नहीं है। और वो बताते हैं आगे लिखते हैं उसमें कि हर इंसान क्या होता है वो चरित्रहीन होना चाहता है, बस उसे मौके की तलाश होती है, कुछ लोग तो चरित्रहीन होने की इच्छा लिए लिए मर जाते हैं लेकिन चरित्रहीन नहीं हो पाते हैं। तो बहुत फेमस व्यंग है उनके, बहुत अच्छी अच्छी किताबें वैष्णव की फिसलन, ये सारे जो उनके वर्क्स हैं मुझे भी याद हैं, हालांकि मैंने कई किताबें पढ़ी उसमें, अभी उनकी वैष्णव की फिसलन हो गई, फिर मैं आपको बताता रहूंगा, उनको कभी मौका मिलेगा तो आपको पढ़िएगा, हिंदी लिटरेचर भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसी के साथ में 1734 1734 पोप, और बहुत सारे लोग इसको एपिस्टल पढ़ते हैं, समझ रहे हैं क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसको एपिस्टल पढ़ते हैं, एपिस्टल नहीं पढ़ना है, याद रखना है हमेशा इस बात को, इट इज एपिसल का मतलब क्या होता है एपिसल, और एपिसल का मतलब क्या होता है लेटर, लेटर इन वर्स यानी पोयम फॉर्म में जब लेटर को लिखा गया हो तो उसे हम क्या बोलते हैं एपिसल, और आगे है टू डॉक्टर अर्बथनॉट, टू डॉक्टर अर्बथनॉट, एपिसल टू डॉक्टर अर्बथनॉट, और ये जो जो है लेटर है बहुत फेमस लेटर है, किसके लिए जोसेफ एडिसन को क्रिटिसाइज किया गया है इस लेटर में, किसको जोसेफ एडिसन को जो कि क्या थे पीरियोडिकल्स के लिए फेमस थे उनको क्रिटिसाइज किया गया है एटिकस का नाम देकर के, क्या नाम देकर के एटिकस, और बहुत फेमस लाइन है उनकी शुड अ मैन टू फॉन्ड टू रूल अलोन, शुड अ मैन Too fond to rule alone, beer like Turks, no brother near the throne. यानी क्या है कि क्या किसी इंसान को इतना रूल करने पर आमादा होना चाहिए कि वो टक्स जैसा यानी तुर्कों जैसा व्यवहार करने लगे, no brother near the throne.
कि जो अपने गद्दी के समीप अपने भाइयों को भी बर्दाश्त नहीं करते थे। तो क्या ऐसी स्थिति, जो शाहजहां का आप जो है किरदार सुने हो, तो शाहजहां ने क्या किया था, शाहजहां के चारों बेटे थे औरंगजेब, दारा सिको, सब में इतना ज्यादा के खून खराबा होता है कि शाहजहां को फाइनली औरंगजेब ले जाकर के बंद कर देता है काल कोठरी में। एक वही काल कोठरी ताजमहल के पास में आप जाएंगे तो एक और वहां बना हुआ है रानी का मकबरा, क्या करके नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। वहां से बेचारे शाहजहां देखा करते थे कि उनका ताजमहल मुमताज बेगम के लिए जो अपने बनवाया था उन्होंने, तो ऐसी स्थिति हो जाती है, क्या करेंगे। चलिए 1738 1738, सैमुअल जॉनसन लंदन, बहुत फेमस पोयम है सैमुअल जॉनसन, जो कि जिनके नाम पे अगली पूरी एज ही है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी या डॉक्टर जॉनसन एज, उनकी फेमस पोयम आती कौन सी, लंदन, और बहुत ही फेमस पोयम है, कभी मौका मिलेगा जिसको आप जरूर पढ़िएगा, सैमुअल जॉनसन की लंदन। उसके बाद 1740 सैमुअल चर्टसन पामेला, पहली नॉवल कैसी, जो कि लेटर के फॉर्म है और जिसको हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको एपिसल बताया ही है, क्या बोलते हैं, एपिसलरी नॉवल, कैसी नॉवल, एपिसलरी नॉवल, यानी ऐसी नॉवल जिसका जो प्लॉट है, प्लॉट का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो किसके, लेटर्स के फॉर्म में होता है, यानी एक पत्र भेजा जाता है और एक पत्र वहां से आता है। और इस नॉवल में सैमुअल जैक्सन की जो पामेला है, यहां पर सैमुअल जैक्सन एक ऐसी लड़की को प्रेजेंट करते हैं जिसका नाम पामेला है और वो एक मिस्टर बी हैं, मिस्टर बी उनके यहां पर वो काम करती है, वो उसके मालिक हैं और वो एक मेड की तरीके से आप समझिए, मिस्टर बी की निगाह हमेशा टेढ़ी रहती है इसको लेकर के, पामेला को लेकर के, एंड दैट पर्सन वॉन्ट्स टू सेक्सुअली अजॉल्ट दैट गर्ल, और ये जो महिला है, जो लड़की है, वो हमेशा अपनी चेस्टिटी को बचाते हुए भागती फिरती है। फाइनली क्या होता है, इस नॉवल को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्यों, क्योंकि यहां पर अंत में मिस्टर बी को उस लड़की से प्यार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है, मिस्टर बी और पामेला की। आगे चल करके हेनरी फील्डिंग एक वर्क लेकर के आते हैं जिसका नाम होता है जोसेफ एंड्रयूज, कल मैंने आपसे बात की थी इसको लेकर के, जोसेफ एंड्रयूज इसी की क्या है, पैरोडी है। वहां पर पहले तो हेनरी फील्डिंग ने यह दिखाया कि जरूरी नहीं है कि महिलाओं को ही अपनी चेस्टिटी को वायलेट होने से बचाने के लिए भागना पड़े, पुरुषों के साथ भी ऐसा हो सकता है। और उन्होंने पामेला के भाई को रिप्रेजेंट किया जिसका नाम जोसेफ एंड्रयूज है, और उसके मकान मालकिन लेडी बूबी अपने हस्बैंड की डेथ होने के बाद वो जोसेफ एंड्रयूज के ऊपर निगाह एकदम से टेढ़ी की बैठी हुई है, और जोसेफ एंड्रयूज बेचारा वहां से भाग रहा है। तो ये एक पैरोडी है किताब जोसेफ एंड्रयूज किसकी, इसी पामेला नॉवल की, और पामेला पहली एपिसलरी नॉवल है, हमेशा याद रखिएगा पामेला क्या है, इट इज द फर्स्ट एपिसलरी नॉवल इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य में पहली एपिसलरी नॉवल, और इसकी पैरोडी कौन सी है, जोसेफ एंड्रयूज, याद रखिएगा इस चीज को। 1741 फील्डिंग का अगला वर्ग सामेला, कौन सा वर्ग आता है, सामेला आता है, और देखिए 1742 में आ जाता है फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज, यानी किसके जवाब में, पामेला के जवाब में ये वर्क लिखा जाता है जोसेफ एंड्रयूज, और इसका इंट्रोडक्शन आप सबको पढ़ना है, याद रखिएगा इसका इंट्रोडक्शन स्वयं हेनरी फील्डिंग ने लिखा हुआ है और उसको आप लोगों को पढ़ना है, वो लिटरेचर के बारे में उस समय के बात करते हैं, तो याद रखिएगा इसको। और पोप का वर्क आता है कौन सा, न्यू डंसियार्ड इस टाइम पे पब्लिश होता है। आगे देखिए 1745 क्या होता है, चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट, और कौन है ये हैं जेम्स एडवर्ड स्टुअर्ट के बेटे हैं ये, इनको हम यंग प्रिटेंडर के नाम से, यानी ये भी मानते थे कि मैं राजा बनने का हकदार हूं, ये क्या होते हैं, लीड्स जैकोबाइट रेबेलियन इन स्कॉटलैंड, यानी पिता जिस काम को करने में विफल रहा उसको ये फिर से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद्रोह करवाने की कोशिश करते हैं, कहां पर, स्कॉटलैंड में। तो ये थी टाइमलाइन की बातें, अब आगे थोड़ा सा कुछ चीजें हैं इनको मैं आपको बता भी चुका हूं, हालांकि देख लेते हैं यहां पे, विलियम ऑरेंज डाइड इन द ईयर 1702, क्या होता है, विलियम ऑरेंज की 1702 में डेथ हो जाती है। और उसके बाद देखिए क्वीन एन बिकम्स द मोनार्क, क्वीन एन वहां की जो है मोनार्क बनती है इंग्लैंड की, और 1702 से 1707 तक ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की सेपरेट
क्वीन होती हैं, और उसके बाद 1707 में क्या होता है, एक्ट ऑफ द यूनियन होता है। 1707 से 1714 तक वो किसकी क्वीन होती हैं, यूनाइटेड किंगडम, यानी दोनों कंट्रीज अब मिल गई थी, गणराज्य इनको बोला जाता है, इनका झंडा यूनियन जैक हो गया और इस तरीके से ये दोनों कंट्रीज यूनाइटेड हो गई। अब देखिए नोट, एन वॉज अनेबल टू प्रोड्यूस हियर, यानी एन जो है वो कोई बच्चा प्रोड्यूस करने में मतलब वो एबल नहीं हुई, और कारण क्या था, देखिए सी हैड 12 मिसकैरेजेस, उनको 12 मिसकैरेजेस हुए, और क्या होता है, एंड 5 चिल्ड्रेन, 5 ऐसे बच्चे हु डाइड इन इन्फेंसी, जिनकी इन्फेंसी यानी बहुत छोटे में, मासूम थे वो, 0 से 3 महीने की जो उम्र होती है उसमें डेथ हो जाती है, एंड देम विलियम डाइड इन 1701, और जो सबसे छोटा था 1701 में विलियम, उसकी डेथ हो जाती है, यानी बगैर ईसु के इनकी डेथ हो गई, और अब सत्ता को कहां जाना था, वो हनोवर फैमिली ऑफ सोफिया जर्मनी को ट्रांसफर हो जाती है, और जॉर्ज फर्स्ट वो यहां के राजा बन जाते हैं। उससे पहले मैं दो आपके लिए एक्ट लाया हूं, कौन से एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के सब जरिए क्या बात होती है, देखिए आफ्टर डेथ ऑफ विलियम, यानी विलियम के डेथ के बाद लास्ट सन ऑफ एन, ठीक है, जो आखिरी बच्चा किसका, एन का, इन 1701 कर लीजिएगा इसको, पार्लियामेंट पास्ड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। पार्लियामेंट ने क्या किया, उसने एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास किया, सो दैट, ताकि आफ्टर द डेथ ऑफ एन्स लास्ट चाइल्ड, कि एन के आखिरी बच्चे के साथ में क्या होगा, द इंग्लिश मोनार्की वुड पास टू द फैमिली ऑफ सोफिया, कि इंग्लिश जो है मोनार्की वो कहां पास हो जाएगी, फैमिली ऑफ सोफिया, और जिसको हम क्या, डचेस ऑफ हनोवर, जो हनोवर की डचेस थी इन जर्मनी, कहां पर, जर्मनी में, प्रोवाइडेड दैट, कारण क्या है, द डिसेंडेंट वाज प्रोटेस्टेंट, कि यहां का जो वारिस है वो प्रोटेस्टेंट था, एंड नॉट मैरिड टू अ कैथोलिक, और इसकी किसी भी कैथोलिक से शादी नहीं हुई थी। द अरेंजमेंट फॉर्मलाइज्ड पार्लियामेंट रोल इन डिसाइडिंग ऑन द नेक्स्ट मोनार्क, यानी ये था कि सक्सेशन, जो अभी तक बात हुई थी बिल ऑफ राइट्स में, कि क्या था कि सक्सेशन जो है वो केवल पार्लियामेंट के ही हस्तक्षेप के बाद वो पॉसिबल हो पाएगा, और यही चीज यहां पर होती है कि इसकी डेथ के बाद पार्लियामेंट चाहती है कि अब राजा जो आएगा वो जर्मनी से आएगा, और यही हुआ भी, जॉर्ज फर्स्ट वहां के राजा बनते हैं, और किस बिना पर, कि वो एक प्रोटेस्टेंट हैं और उनकी किसी कैथोलिक लड़की से शादी भी नहीं हुई है। आगे देखते हैं एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन आता है 1707 में, क्या होता है, सेवरल ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री नेगोसिएशंस, यानी कई साल के पार्लियामेंट्री नेगोसिएशन, यानी कई सारी जो है परिचर्चा के बाद में क्या होता है, संसदीय ब्राइबरी, घूस एंड सम मैसिंग ऑफ ट्रूप्स, और यहां तक कि सेना को भी लगाया गया, मैसिंग ऑफ ट्रूप्स ऑन द इंग्लिश स्कॉटिश बॉर्डर, इंग्लिश स्कॉटिश बॉर्डर पे सेना को भी लगाया गया, एक तरीके की डिप्लोमेटिक ये चाल थी, जिसका आउटकम क्या होता है, रिजल्टेड इन द एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है, किसमें होता है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, वेयर बाई इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड मर्ज्ड पार्लियामेंट्स, ये याद रखिएगा कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की जो संसद है वो अब एक हो गई, और क्या, विद द स्कॉटिश टू बी प्रेजेंटेड इन लंडन, और स्कॉटिश यानी जो स्कॉटलैंड के लोग थे, अब वो लंडन की जो पार्लियामेंट है उसमें उनको रिप्रेजेंटेशन मिल गया। इट इज दिस न्यू कॉम्बिनेशन, और यही वो नया जो है कॉम्बिनेशन है, ऑफ इंग्लैंड वेल्स एंड स्कॉटलैंड, वो इंग्लैंड जिसमें आयरलैंड पहले से ही है, वेल्स और कौन सा, स्कॉटलैंड, ठीक है, तीनों ने मिलकर के बनाया, मेड ब्रिटिश ग्रेट और ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि यहीं से इसका नाम ग्रेट ब्रिटेन, ये वो नाम जो एंग्लो सैक्सन में दिया गया था आपको याद होगा, वही अब यहां पे क्या होता है, चरित्रार्थ हो जाता है, ग्रेट या ग्रेट ब्रिटेन यहां से हो जाता है, और इसी के हिसाब में क्या होता है कि यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये जो है अब एक्ट ऑफ यूनियन के साथ साथ यूनियन जैक इनका झंडा भी हो जाता है, और उसके बाद वहां पर जो अब इनका नेशनल एंथम है वो भी इन्हीं दोनों कंट्रीज के, ठीक है, पेट्रियोटिज्म से या बातों से मिला करके
बना हुआ है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बात की आपसे टाइमलाइन को लेकर के कि कौन कौन सी डेट्स हैं जहां पर कोई मेजर इंसिडेंट घटित हुआ, और उसके बाद एक टॉप सेटलमेंट या उसके बाद एक टॉप यूनियन को लेकर के आपसे बात किए हैं। अपनी अगली क्लास में मैं आपसे बात करूंगा यहां पर अगस्टन एज के लिटरेचर को लेकर के, एक ऐसा लिटरेचर जिसमें सबसे बड़े राइटर के तौर पर अगर हम गिनती करें तो वो थे अलेक्जेंडर पोप, और किस तरीके से उनके वर्क्स हैं, उसके बाद यहां पर कौन कौन से मेजर ऑथर्स हैं, और ऑथर्स बहुत सारे हैं क्योंकि ये एज अपने आप में मानी ही जाती है कि ये गोल्डन एज थी लिटरेचर को लेकर के उस टाइम पीरियड की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ये कोई कैसी लगी ये वीडियो अपने लाइक और कमेंट के जरिए बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।